4.5 लाख रुपए पर एनम, ये वो एवरेज सैलरी है जो कि इंडिया में मैकेनिकल कैड इंजीनियर्स को मिलती है। देखो, चाहे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाखों रुपए क्यों ना खर्च किए हो, अगर आप कैड स्किल्स को नहीं सीखते हो तो आप ये समझ के चलो कि आप कैड रिलेटेड जॉब रोल्स के लिए ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इसलिए हर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कैड सॉफ्टवेयर्स को सीखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 जॉब्स के बारे में जो कि आपको कैड मास्टर करने के बाद मिल सकता है। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक स्किल नहीं बल्कि एक करियर बूस्टर है। चाहे आपको कार डिजाइन करना है, एरोस्पेस की फील्ड में जाना है या फिर रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हो, कैड हर जगह पे आपके काम आएगा। आज हम जॉब्स को डिटेल में एक्सप्लोर तो करेंगे ही, साथ ही उन टॉप सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि इंडस्ट्रीज में कॉमनली यूज होता है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कैसे आप उन सॉफ्टवेयर को अपनी पढ़ाई के दौरान या फिर घर बैठे ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हो, इसके लिए भी कुछ फ्री कोर्सेज दूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट करियर टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैड होता क्या है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इस सॉफ्टवेयर का यूज इंजीनियर करते हैं डिटेल डिजाइनिंग, ब्लूप्रिंट्स एंड सिमुलेशन बनाने के लिए। आप जो भी कार, एरोप्लेन या कॉम्प्लेक्स मशीनरी देखते हो वो सब पहले कैड सॉफ्टवेयर पे ही डिजाइन किया गया होता है। कैड आपके इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का मौका देता है। चाहे प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप हो या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कैड हर जगह यूज होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉमनली यूज कैड सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया एंड क्रियो। अगर मैं इनमें से भी शॉर्टलिस्ट करूं तो ऑटो कैड एंड सॉलिड वर्क्स टॉप पे हैं। अब जब हमें ये पता चल गया है कि कैड क्या है, तो चलिए देखते हैं वो टॉप 5 जॉब्स जो आप परस्यू कर सकते हो कैड सीखने के बाद। हमारे लिस्ट में सबसे पहला और ऑब्वियस जॉब है डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर का काम होता है प्रोडक्ट डिजाइन करना, ऑप्टिमाइज करना और डेवलप करना। आपको न्यू आइडियाज को रियलिटी में लगाना होगा, चाहे वो एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या एक हाउसहोल्ड अप्लायंस। डिजाइन इंजीनियर की डिमांड काफी हाई है, स्पेशली ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज में। कंपनीज जैसे कि टेस्ला, बोइंग, सीमेंस, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी डिजाइन इंजीनियर्स हायर करती हैं टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वंस। एक्साइटिंग पार्ट ये है कि डिजाइन इंजीनियर का जो सैलरी पैकेज है वो आपको 5 से लेके 12 लाख पर ईयर के बीच देखने को मिल जाएगा इंडिया में। और अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो लाइक US, तो ये सैलरी अराउंड $70,000 टू $90,000 पर ईयर तक जा सकता है। सबसे बड़ी बात, आप एज एन डिजाइन इंजीनियर फ्रीलांसिंग जॉब भी कर सकते हो जो कि आपके लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करके देगा। ऑलराइट, बात करते हैं सेकेंड जॉब की जो कि है कैड टेक्नीशियन या ड्राफ्टर। अगर आपको डिटेल्स के साथ काम करना पसंद है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कैड टेक्नीशियन का काम होता है टेक्निकल ड्राइंग और ब्लूप्रिंट्स बनाना जो इंजीनियर यूज करते हैं प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। ये डिजाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट से लेकर आर्किटेक्चरल प्लान्स तक कुछ भी हो सकता है। एज अ कैड टेक्नीशियन आपको प्रिसीजन पे काफी ध्यान देना होगा। आप क्लोजली काम करोगे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ ताकि हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स डिजाइन में कवर हो सके। कैड टेक्नीशियन की डिमांड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होती है। बात करें सैलरी रेंज की, तो जनरली इस जॉब रोल के लिए आपको 3 से लेके 8 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी मिल सकती है इंडिया में। जॉब नंबर 3, मैकेनिकल इंजीनियर इन R&D। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रोल उन लोगों के लिए है जो इनोवेशन में बिलीव करते हैं। R&D मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे आप प्रोटोटाइप डिजाइन करते हो और नए प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। ये इंजीनियर्स कैड का यूज करते हैं न्यू आइडिया को डिजाइन करने और टेस्ट करने के लिए। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, रोबोटिक्स या ड्रोन का डिजाइन कैड पर ही होता है। R&D इंजीनियर की डिमांड जनरली ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और रोबोटिक इंडस्ट्रीज में होती है। सैलरी रेंज की बात करें तो आपको इंडिया में 6 से 15 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिल सकता है इस जॉब रोल के लिए। नेक्स्ट रोल है प्रोडक्ट डिजाइन एनालिस्ट का। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पसंद है और आप देखना चाहते हो कि डिजाइन रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करेगा, तो ये जॉब रोल आपके लिए है। प्रोडक्ट डिजाइन एनालिस्ट कैड का यूज करके सिमुलेशन एंड टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, लोड और एफिशिएंसी एनालिसिस। ये रोल एरोस्पेस, हैवी मशीनरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्रिटिकल होता है। फॉर एग्जांपल, एक एयरक्राफ्ट डिजाइन को बिल्ड करने से पहले उसका सिमुलेशन करना ताकि हर एस्पेक्ट टेस्ट हो सके, दैट व्हाट अ प्रोडक्ट डिजाइन एनालिस्ट डज। सैलरी यहाँ पर काफी अच्छी होती है, इंडिया में 7 से 12 लाख पर ईयर और इंटरनेशनली $85,000 पर ईयर तक जा सकता है। नाउ द फिफ्थ जॉब रोल इज प्रोजेक्ट इंजीनियर। इस रोल में आपकी कैड एक्सपर्टीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कंबाइन होती है। आपको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन देखना होता है, चाहे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट हो या एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को डिजाइन और टीम मैनेजमेंट दोनों में माहिर होना पड़ता है। आप आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और दूसरे स्पेशलिस्ट के साथ काम करोगे ताकि
प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। इस जॉब रोल की डिमांड जनरली कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलती है। बात करें सैलरी की तो इस जॉब रोल के लिए आपको इंडिया में 8 से लेकर 20 लाख रुपए पर एनम जितना मिल सकता है। सो ये है वो 5 जॉब रोल जो कि आप कैट सीखने के बाद पा सकते हो आफ्टर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कि इन कैट सॉफ्टवेयर को कहां से सीखना है। सो देखो, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिनके पास 0 बजट है, तो उनके लिए लर्न वन पे ऑटो कैट मैकेनिकल का एक हिंदी कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स है जिसमें कि आपको 12 घंटे से भी ज्यादा का ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर मिलेगा विद 116 आर्टिकल। इस कोर्स में आप ऑटो कैट को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखोगे, यानी कि इंट्रोडक्शन से, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं जैसे कि सॉलिड मॉडलिंग विद 3D, सॉलिड मॉडलिंग विद 2D, UCS इन 3D एंड मेनी मोर। सेम प्लेटफॉर्म पे आपको सॉलिड वर्क का भी कोर्स मिल जाएगा विद रियल टाइम एग्जांपल एंड प्रोजेक्ट। दोनों कोर्सेज बिगनर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, और इतना तो श्योर हो जाओ कि सारी चीजें अगर आपने अच्छे से सीखी तो आप इजिली किसी भी एंट्री लेवल कैट जॉब को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि ये कोर्सेज फ्री है इसीलिए इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्री में नहीं मिलते। पहला है सर्टिफिकेट, सेकंड है करियर गाइडेंस एंड थर्ड है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये 3 फीचर्स चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आप बहुत कम समय में स्किल सीख के जॉब भी पा लो, देन इसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं आपके कन्वीनियंट के लिए आपको बेस्ट पेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं। सो अगर आपके पास थोड़ा बजट है देन आप CTTC भुवनेश्वर के कोर्सेज के साथ जा सकते हो। ये एक बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट है जो कि जनरली इंजीनियर्स के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज करवाता है। करंट टाइम की बात करूं तो यहां पे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है इंजीनियर्स के लिए, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स के लिए मात्र 7 से लेकर 8 हजार रुपए में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है 1 महीने के अंदर। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो देन इन नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट जानकारी ले सकते हो। और बाय द वे, अगर आप ये डेट मिस कर चुके हो तो भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए सिंपली आपको इनके होम पेज पे आना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। नीचे जाते ही आप देख सकते हो कुछ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, जिसमें कि ऑटोकैड ओनली फॉर 7000 रुपीज एंड सॉलिड वर्क्स फॉर 8000 रुपीज के अंदर मेंशन किया हुआ है। यहाँ से कोर्सेज करने का फायदा ये है कि आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन तो मिलेगा ही, साथ ही इन कॉलेज का टाई अप बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज एंड OEMs के साथ होता है, जैसे कि होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा, ATC। सो यहाँ से आपको डायरेक्टली उन कंपनीज में जाने का मौका मिल जाएगा और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है इसलिए आप सभी के लिए एक स्पेशल बोनस। देखो, ये जो 7 से 8 हजार रुपए का कोर्स है ना, इसे भी आप फ्री में ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है उन फ्री प्रोग्राम्स के बारे में जो कि CTTC भुवनेश्वर करवाता है। सो अब तक हमने केवल 2 सॉफ्टवेयर्स की बात की। अगर आपको कैटिया एंड क्रियो इनके बारे में भी जानना है देन कमेंट पे सिंपली Part 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2000 लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।